ब्रह्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ब्रह्मदत्त रिट पिटीशन फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया कि यूनियन ऑफ इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो एक जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन इसके जो मेंबर हैं चेयरमैन हैं वो जुडिशरी से नहीं है, इसलिए इसका चेयरमैन जो है वो एक जज होना चाहिए। तो ये रिट पिटीशन जो है ब्रह्मदत्त सुप्रीम कोर्ट में फाइल करता है। तो यूनियन ऑफ इंडिया अपनी ये कंटेंशन रखती है कि CCI एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। जो केसेस CCI में आते हैं वो बहुत ही हाई लेवल की एक्सपर्टीज मांगते हैं इस फील्ड में, और वो एक्सपर्टीज जुडिशरी नहीं प्रोवाइड करा सकती। यूनियन ऑफ इंडिया ये कहती है कि आपके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर अभी भी है कि अगर CCI कोई गलत डिसीजन सुनाती है तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। और यूनियन ऑफ इंडिया ये भी कहते हैं कि इंडिया कोई पहली कंट्री नहीं है जहां पर एक रेगुलेटरी बॉडी के जो मेंबर्स हैं वो नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड से हैं। तो अपनी ये कंटेंशन यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में रखती है। और दोस्तों, अभी जब केस पेंडिंग में ही होता है तो यूनियन गवर्नमेंट एक्ट को अमेंड कर देती है। अमेंडेड एक्ट के बाद जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं CCI के वो सेलेक्ट करेगी एक कमेटी, और उस कमेटी को प्रिसाइड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा उस अमेंडमेंट में कॉम्पैट के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल। अगर कोई पर्सन CCI के डिसीजन से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कॉम्पैट में अपील कर सकता है। कॉम्पैट का जो डिसीजन होगा वो एक सिविल कोर्ट के डिक्री के इक्वल होगा। कॉम्पैट में 3 क्वाजे जुडिशियल मेंबर होंगे जिनको हेड करेगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या सर्विंग जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस अमेंडमेंट को वैलिड डिक्लेयर करती है, क्योंकि अब जो है रेगुलेटरी बॉडी में एक जुडिशियल टच आ चुका है।